थैंक यू सो मच सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। अभी यहाँ पे संख्या कम है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, मेरे लिए हजारों की संख्या में, क्योंकि यहाँ पे एक एक बंदा जो है ना, वो लाखों का टीम क्रिएट करने वाला है। इसलिए जोरदार अपने आप के लिए दोस्तों, मेरा नाम लगता राहुल नेरकर, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग मुझे बहुत ही नसीब से मिला है, भाग्य से मिला है। हमारे सर कहते हैं कि हैरिस जो है आपको नसीब से मिला है। जिस किसी ने भी आपको हैरिस का प्लेटफॉर्म दिया दोस्तों, उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना, क्योंकि वो आपके लिए भगवान से कम नहीं है। क्योंकि मुझे भी ये हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग मेरे भगवान आर के मनहर सर, जिनको मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, उसके माध्यम से मुझे मिला। तो जोरदार एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों, उस दिन का वो दिन और आज का दिन, वो दिन मुझे याद आता है और आज का दिन मुझे याद आता है। मेरे जिंदगी में 360 डिग्री का चेंज हो चुका है दोस्तों। कितना? 360 डिग्री का चेंज हो चुका है। आज मुझे सुनने के लिए लाखों के तादाद में लोग आते हैं। और दोस्तों, जो मान सम्मान यहाँ पे मुझे मिलता है, आज तक मेरे 13 साल के नेटवर्क मार्केटिंग करियर में मुझे नहीं मिला। वाओ! तो मैं जोरदार क्लैपिंग हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग। और इस हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग को जिस व्यक्ति ने हम लोगों के सामने लाया, जो इस हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग के रचयिता है कथापन केडी सर को, उनको शश्रद्ध नमन करना चाहूंगा। और आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि एक बार जोरदार उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनकी एक सोच के वजह से आज लाखों लोगों का जिंदगी चेंज हो रहा है। उनकी एक सोच की वजह से आज दोस्तों वही मौका मुझे मिला है। मैं एक माध्यम बना, एक जरिया बना कि मेरे माध्यम से लाखों लोगों के घर में रोजगार जा रहा है। और जो लोग कोरोना से त्रस्त हो चुके थे, जिनके घर में रोजगार का कोई साधन नहीं था दोस्तों, उनको टेंशन आ गया था, फ्यूचर का टेंशन था कि अभी आगे होगा क्या, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, ऐसे टाइम पे हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग हमको मिला दोस्तों। आज यहाँ पे लाखों लोग अपना जिंदगी को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से उनके घर का चूल्हा जल रहा है दोस्तों। तो हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग एक फ्यूचर है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आज हैरिस को समझ गया, वो यहाँ से पैसे ही पैसे कमा रहा है, लेकिन जो नहीं समझ पाया दोस्तों, वो पहले जैसे रह जा रहा है। इसलिए इसको समझना जरूरी है, इसको सीरियसली लेना जरूरी है। क्योंकि मैंने आज से 10 महीना पहले अगर इसको सीरियसली नहीं लिया रहता, तो शायद मैं 2.5 लाख लोगों का टीम को नहीं क्रिएट कर पाता दोस्तों। इसलिए आज आपको इस प्रोजेक्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके वजह से किसी का जिंदगी बदल जाए। क्योंकि अवसर तो हर किसी को नहीं मिलता दोस्तों। अवसर के ऊपर हमारे सत्यनारायण सर ने बहुत ही अच्छा एक स्टोरी सुनाया था कि अवसर हर किसी को मिलता है, लेकिन आप सोचने में उस अवसर को गवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे अवसर आप सभी लोगों के पास में आए होंगे, लेकिन आपने सोचने में गवा दिए होंगे। एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अवसर आपके जिंदगी में आते हैं तो हम लोग अवसर को ठोकर मार देते हैं। छोटा सा स्टोरी क्या है दोस्तों, एक गांव था, उस गांव में जो है एक ऋषि मुनि जो है भगवान के भक्त थे। वो भगवान की कई सालों से जो है पूजा अर्चना करते थे, लेकिन दोस्तों वो एक दिन क्या हो गया कि उनके गांव में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आ गई और वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो ऋषि मुनि को बहुत चाहते थे। जब बाढ़ का पानी गाँव में आ गया तो लोग जो है वहां से पलायन करना चालू कर दिए। और लोग जब पलायन करना चालू कर दिए तो लोग उस ऋषि मुनि से बहुत प्यार करते थे। तो वो कहते थे, ऋषि मुनि जी आप आइए हमारे साथ में, चलिए मैं तो आप डूब जाऊंगा। वो भक्त थे, वो मंदिर में बैठ के पूजा अर्चना करते थे। वो बोलते थे, मैं तो भगवान का भक्त, इतने सालों से मैंने पूजा अर्चना की, भगवान मुझे बचाएंगे, मैं तो नहीं जाने वाला। ठीक है, वो उनको इग्नोर कर दिया, उनको जाने दिया। उसके बाद में क्या हो गया, वो मंदिर के सीढ़ी तक पानी आ गया और मंदिर के अंदर में पानी आना चालू हो गया। तो एक जहाज आया उनको बचाने के लिए। और वो कहता है कि ऋषि मुनि जी, मंदिर के अंदर में पानी आ गया है, सब लोग पलायन कर चुके हैं, सिर्फ आप अकेले बचे हो, आ जाइए जहाज में बैठ जाइए, आप नहीं तो डूब जाओगे। वो कहता है, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मुझे तो भगवान बचाएंगे, आप चले जाइए। ठीक है, उनको भी इग्नोर कर दिया। फाइनल क्या होता है, मंदिर के अंदर में पानी घुस जाता है और वो ऋषि मुनि जी क्या करते हैं, मंदिर के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। बाद में क्या होता है, मंदिर के ऊपर भी पानी आना चालू हो जाता है और ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है। और हेलीकॉप्टर से आर्मी के लोग बोलते हैं कि ऋषि मुनि जी आप इस सीढ़ी को पकड़ लीजिए, सीढ़ी को पकड़ लीजिए, ऊपर चढ़ के आ जाइए, नहीं तो आप डूब जाओगे। वो बोलता है, मैं इतने सालों से भगवान की भक्ति की, भगवान ही मुझे बचाएगा, आप चले जाइए। फाइनली क्या होता है, ऋषि मुनि
डूब जाता है। डूबने के बाद में उसको स्वर्ग नसीब होता है, क्योंकि भगवान का भक्त ना, भगवान उसके साथ में ना इंसान कैसे करेंगे उसको, तो उसको जो है स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग में बहुत सारी अप्सरा जो होती है नृत्य करते रहती है, बहुत सारे वहां पे देवतागण रहते हैं, वो उसका मजा लेते रहते हैं, बहुत एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन ये बेचारा ऋषि मुनि एक कोने में जाके बैठा हुआ दुखी सा दिखता है, बैठा रहता है। तो यमराज जी आते हैं, वो देखते हैं ऋषि मुनि जी को कि आप ऐसे धुमधुम से और ऐसे गुस्से में क्यों बैठे हुए। बोलते मैं भगवान से बहुत नाराज हूँ, भगवान ने मेरी सुनी नहीं, भगवान ने मेरी जान नहीं बचाई। तो यमराज जी बोलते अरे मूर्ख, भगवान को तेरे को बचाने के लिए आए थे, जो लोगों के माध्यम से तुझे बोला था कि चलो हमारे साथ में चलो नहीं तो आप डूब जाओगे, वो एक भगवान का ही रूप था, तू उन्हें पहचाना क्यों। दूसरी बार फिर से तुझे भगवान ने एक चांस और दिया, जब पानी सीढ़ी तक आ गया था तो हम भगवान ने जो है आपके लिए जहाज भेजा था, आपने क्या बोला नहीं मुझे तो भगवान बचाएगा, आपने उनको भी ठुकरा दिया। दूसरी बार आपको अवसर मिला, लेकिन तीसरी बार जब पानी ऊपर तक आ गया था, मंदिर तक आ गया था और आप ऊपर चढ़ के बैठ गए थे, तब हेलीकॉप्टर आपके लिए भेजा गया था और आपको बोला गया था सीढ़ी फेंकी थी, बोला गया था कि आप इस सीढ़ी को पकड़ लो नहीं तो डूब जाओगे, आपने तीसरी बार भी अवसर को लात मार दी और इसी वजह से आप डूब गए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है जिंदगी में, किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई दूत, अभी कोरोना काल में हो सकता है भगवान ने आयरिश के माध्यम से दूत आप लोगों के घर में आप लोगों के पास में भेज चुके हैं, क्योंकि भगवान भी जब कभी भी कलयुग में कोई भी घोर संकट आता है आपके ऊपर, तो भगवान भी कोई ना कोई दूत बनके कोई किसी ना किसी माध्यम से आपके पास में आता है, लेकिन आप उस अवसर को जो है ठोकर मार देते हैं। लेकिन आज आपको ये गलती नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि हमारे दीपक सर के माध्यम से, दीपक सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज दीपक सर के माध्यम से उन्होंने एक दीप जला दिया है, एक आशा की किरण अंधेरे में, एक आशा की किरण आप सभी लोगों के घर में एक ज्योत जगा दी है, एक दीपक जला दिया है और आप सभी लोगों के घर में एक आशा की किरण आपके घर में एक प्रकाशमान होने वाली है दोस्तों, और आपके जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। जो अंधकार में जी रहे थे उनके घर में एक प्रकाश होने वाला है हमारे दीपक सर के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का आगाज आपकी धनबाद की धरती पे कर दिया है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने धनबाद के इस धरती पे पहली शॉपिंग उन्होंने लेके एक बहुत बड़ा काम किया दोस्तों। जोरदार तालियां उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि आज उनके वजह से आप जैसे बहुत सारे जो गरीब मध्यम वर्गीय जो परिवार है, हाईरिच किसके लिए दोस्तों, ये अमीरों के लिए है, क्योंकि अमीरों के लिए तो पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं, लेकिन एक गरीब के लिए सिर्फ एक ही माध्यम होता है, वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक छोटा सा पूंजी लगा के आज यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए के सपने देख सकते हो, और आपने देखा है यहाँ पे स्टेज पे आके कितने सारे सीलिंग अचीवर्स उन्होंने आपको छाती ठोक ठोक के बोला है कि यहाँ पे पैसे कमाए जा सकते हैं, राइट। उन्होंने 700 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अपने लाइफ में अपना बहुत बड़ा परिवर्तन किया है दोस्तों। हमारे अजय सर ने बताया उनका स्टोरी कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग उनके जिंदगी में नहीं आता, वो एक चने बेचने वाला जो लड़का है अपने जिंदगी में परिश्रम करके आज 17 लाख की कार से घूम सकता है, तो दोस्तों कोई भी कर सकता है, राइट। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग वैसे मेरी भी जिंदगी में और मेरे लाइफ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया दोस्तों, यही मौका आप सभी लोगों के जिंदगी में आ चुका है दोस्तों। क्योंकि ये कहते हैं ना, ये धनबाद जो है ये कोयले का यहाँ पे खदान होता है शायद, राइट। और कहते हैं कि कोयले में ही डायमंड हीरे निकलते हैं, राइट। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए ये अपने आप में एक डायमंड है दोस्तों, राइट। तो आप अपने आप को कम मत समझिए, जैसे कि हमारे स्वामी स्वामी सर ने कहा था आपकी करोड़ों की कीमत है, आपके अब्जो रुपए की कीमत है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया था, अगर ये कंपनी अगर आपको दे दी जाए, 200 करोड़ की कंपनी अगर आपको दे दी जाए और आपके हाथ पैर अगर आपसे मांग लिया जाए तो आप अपने हाथ पैर देने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपके एक एक अंक की कीमत करोड़ों रुपए की है और भगवान ने आपको पहले से ही करोड़पति बना के भेजा है, तो अपने आप को गरीब क्यों मानते हो, अपने आप को लाचार क्यों समझते हो, अपने आप को अपंग क्यों समझते हो। दोस्तों अपंग वो होता है, अपंग कौन होता है, शरीर से अपंग नहीं होता है, जो अपने विचार से अपंग होता है वह अपंग होता है। मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे अपंग लोग हैं दोस्तों, एक राजेश गिरी नाम का एक बंदा है जो 60% डिसेबिलिटी है, जो कि वो एक गांव का सरपंच था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनका हाथ और पैर दोनों काम करना छोड़ दिया, 60% डिसेबिलिटी हो गया। जब उसको हायरिच जैसा प्लेटफॉर्म मिला, वो कहा, उसने मुझे धन्यवाद दिया, कहा कि राहुल सर आप मेरे भगवान से कम नहीं हो, क्योंकि अगर आप नहीं मिलते मुझे तो शायद मैं बेड पे पड़ा पड़ा सड़ जाता, मुझे आज कोई 5,000 की भी नौकरी नहीं देता, लेकिन हायरिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से मैं यहाँ से पर डे 3,000 से लेकर 5,000 का इनकम दे रहा हूँ, राइट। तो ये मौका दोस्तों
मुझे मिला है और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, मुझे पुण्य का काम करने के लिए यहाँ पे भेजा है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ भूखे को रोटी खिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा पुण्य का काम क्या होता है दोस्तों, उस भूखे को रोटी खिलाने का तरीका सिखाना। क्योंकि आप एक बार तो भूखे को रोटी खिला सकते हो दोस्तों, दूसरे दिन खिला सकते हो, लेकिन जिंदगी भर नहीं खिला सकते हो। लेकिन आपने अगर उसको कोई ऐसा अवसर दे दिया जिससे वो जिंदगी भर अपने लाइफ में जो है कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, राइट, उसको आत्मनिर्भर बनाते हो और ये मौका आपको अगर मिलता है तो आप दोस्तों उस भूखे को जो है रोटी कमाने का तरीका सिखाओगे, राइट। तो वो अपना तो नसीब बदलेगा, साथ में लोगों का भी नसीब बदलेगा। क्योंकि दोस्तों खुद पैसे कमाना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपके वजह से अगर कोई पैसे कमा रही है सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, और ये बड़ी बात आप सब लोग करने वाले हो, ठीक है। इसलिए इस सिस्टम में अगर आगे हो तो हमारा सिस्टम जो है आपको यहाँ से करोड़पति बनाएगा दोस्तों, लेकिन आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा। क्या कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं इस सिस्टम में अगर आ चुका हूँ तो मुझे सीखने की तैयारी रखनी है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए ना नौकरी करते थे और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया करते थे, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। जब वो देखते थे बड़ी बड़ी गाड़ी में मर्सिडीज बेंज बीएमडब्ल्यू से लोग जाते हैं, फाइव स्टार होटल में जाते हैं, और वहां पे करते क्या है, तो उन्होंने एक दिन सोचा कि चलो मैं वहां पे तो बहुत सारे महंगे महंगे डिशेज होते, चलो मैं एक काम करता हूँ चाय से ही शुरुआत करता हूँ, क्योंकि चाय जो है वहां पे सबसे सस्ती, मतलब वहां पे तो महंगी मिलती है फाइव स्टार होटल, लेकिन उनके लिए सबसे कम रेट में चाय मिलती है। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो मैं चाय पीने के बहाने वहां पे जाता हूँ, वो क्या बात करते हैं, क्या वहां पे होती है प्लानिंग, मैं थोड़ा जाके देखता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, चाय पीने की शुरुआत की। एक दिन गए, दो दिन गए, तीन दिन गए, ऐसा करते करते महीनों महीना उन्होंने वहां पे जाके उन उद्योगपति के साथ में बैठ के चाय पी और उनके प्लानिंग और उनकी स्ट्रेटेजी को उन्होंने देखा, जाना, समझा, और उसके बाद भी उनकी सोच क्या होगी, डेवलप होगी। क्या होगी? सोच डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? उनको बड़ा आदमी बनना है, राइट, ये सोच डेवलप होगी। क्योंकि जब आपको अगर कभी पूछा जाए, आपके बच्चों को पूछा जाए कि आपको क्या बनना है, कोई बोलता मैं डॉक्टर बनना है, कोई बोलता मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन कोई जिसको बड़ा आदमी बनना है वो बोलता मैं मुझे बड़ा आदमी बनना है। ऐसे ही हमारे एक दीपक बजाज का स्टोरी मैंने सुना था, उन्होंने कहा था जब उनको पूछा गया था इग्नोमी कि आपको क्या बनना है, तो जब उनकी भी बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, बहुत ही कठिन परिस्थिति, उनके गरीबी से उन्होंने दिन निकाले, जब भी वो अपने मम्मी को पूछते थे कि मम्मी ये जो मर्सिडीज बेंज में जो गाड़ी में घूम रहे लोग, ठीक है कि अपन ऐसे गाड़ी में नहीं घूम सकते, तो बोलते वो बड़े लोग थे, राइट। वो जब बस में जाते थे धक्के खाते हुए जाते थे और वो देखते थे सामने से कार जा रही है और मम्मी पूछते थे इतने आलिशान कार में ये लोग घूम रहे, अपन नहीं घूम सकते, बोलते थे बड़े बड़े आदमी। तो फिर उनके दिमाग में एक सोच डेवलप होगी, किसके, उज्जवल पाटनी जी के, कि मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। जब वो स्कूल में गए, कॉलेज में गए और वहाँ पे उनके प्रोफेसर को पूछा कि सर मुझे बड़ा आदमी बनना है, जब वो स्कूल में उनके सब स्टूडेंट लोगों को पूछा कि आपको क्या बनना है, कोई बोलता मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलता मुझे डॉक्टर बनना है, उज्जवल पाटनी जी को पूछा कि आपको क्या बनना है, तो उन्होंने बोला मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो जब उन्होंने साइंस ग्रेजुएट पास किया और जब वो गए तो उन्होंने पूछा, उनको मार्क कम आ गए थे पीएम के एग्जाम में, तो उनको पूछा गया था बड़ा आदमी कैसे बनते, बोलते डॉक्टर बन जाते, बड़ा आदमी कैसे इंजीनियर बन जाए। तो जब मार्क कम मिले तो उन्होंने क्या किया, फिर से पीएमटी की प्रिपरेशन की, फिर से कम मार्क मिल गए तो उनको बोला गया, एक व्यक्ति ने उनको मिला और बोला कि एमबीए कर ले, बड़ा आदमी बन जाएगा, बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। तो उनका स्टोरी बहुत बड़ा है, उनका स्टोरी से भी बहुत सारा आपको सीखने को मिलता है। उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था उज्जवल पाटनी जी, और आज एक बहुत अच्छे मोटिवेटेड स्पीकर एंड ट्रेनर है, मैं भी उनका क्लास ज्वाइन किया है, मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, तो उनके छोटे छोटे वीडियोज है जिससे बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है। तो मैं फिर से आता हूँ धीरूभाई अंबानी की स्टोरी पे। तो धीरूभाई अंबानी क्या करते थे, चाय के दुकान में, सॉरी फाइव स्टार होटल में चाय पीते थे, राइट।
जब उनके कलीग लोग, उनके जो दोस्त लोग जहाँ वहाँ पे जो जॉब करते थे, बोलते थे यार अपना आधा सैलरी तो पूरा चाय में बर्बाद कर देता है, राइट? तो ऐसा जाके क्या करता है? तो हमें बड़े बड़े लोगों के साथ में उठता बैठता हूँ, राइट, और उनके सोच पूर्ति स्ट्रेटेजी क्या होती, प्लानिंग उसको देखता हूँ। तो एक दिन ऐसे उनके दिमाग में क्या हुआ, एक विचार आया, जब उनके पेट्रोल पंप के पास में एक खिलौना बेचने वाला एक व्यक्ति था, वो खिलौना बेच रहा था, राइट? तो खिलौना बेच रहा था, तो खिलौना बेचने वाले आदमी को बुलाया, भैया इधर आइए, आप ये खिलौना बेचते हो कितना कमा लेते हो? वो बोलता है कि मैं डेली का 300 रुपये कमा लेता हूँ। तो बोलता है कि कितने खिलौने बेचते हो? 10-12 खिलौने बेचता हूँ डेली। तो एक खिलौने के पीछे कितना मार्जिन मिलता है आपको? उसने बताया 30 रुपये मार्जिन मिलता है। तो ये 100 रुपये का खिलौना मैं बेचता हूँ, 70 में लाता हूँ। तो धीरू भाई अंबानी बोलते ठीक है एक काम कर कि मुझे जहाँ से तू खिलौने लाता है मुझे वहाँ का एड्रेस दे, राइट? वो बोलते हैं मुझे एड्रेस दे दे। और फिर धीरू भाई अंबानी को क्या करता है, वो खिलौने वाला लेके जाता है होलसेलर के पास में। और होलसेलर के पास में जाने के बाद में वो होलसेलर से बात करता है कि मुझे भी खिलौने चाहिए, बताइए कितने में दोगे? वो बोलता है कि इनको जितने में देता हूँ उतने में दूंगा, ठीक है, आपको जो है 70 रुपये दूंगा। तो बोलता है मुझे 10-15 खिलौने नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 100 खिलौने खरीदने हैं, आप बता मुझे कितने में देगा? तो वो खिलौने वाला सोचता है, वो होलसेलर सोचता है कि यार ये बल्क में ले रहा है मतलब मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि बल्क में जब कोई भी चीज़ खरीदी जाती है बिकती है तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो उसने सोचा यार मुझे ये बल्क में खरीद रहा है तो चलो ठीक है। वो बोलता है मैं 50 रुपये में आपको दूंगा, ठीक है? तो उन्होंने बोला ठीक है डन, ठीक है। तो वो धीरू भाई अंबानी बोलते हैं कि ठीक है कल मैं आपके पास में 10 आदमी भेजूंगा, वो 10-10 खिलौने आपके पास से बिके जाएंगे, राइट? तो उसके बाद में वो क्या करता है, फिर से जाता है पेट्रोल पंप पे और उसके पास में जितने भी उसके जो दोस्त भाई थे उनसे बात करता है कि आप दिन भर काम करते हो, आपको जो सैलरी मिलती है उससे सिर्फ आपका घर चलता है, लेकिन आज आपको एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत है, क्योंकि आपके सपने अगर है तो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत है। तो वो बोलता है कि आप भी कुछ ना कुछ करिए काम, जैसे वो खिलौने वाला यहाँ पे आके खिलौने बेचता है, आप भी खिलौने बेचो, मैं आपको जो 100 रुपये का खिलौना है 70 में आपको दिलवा सकता हूँ, राइट? तो आप भी क्या करो, जो भी खाली टाइम रहता है 3 घंटा आप बगीचे के बाहर जाके बैठो, फुटपाथ पे बैठो, ठीक है, पेट्रोल पंप पे बैठो, ठीक है, और आप ये खिलौने बेचो। उनको लगा बहुत अच्छा आइडिया है, अतिरिक्त आय हो जाएगी। तो बोले ठीक है हमको बताओ, तो हम जाते हैं होलसेलर से परचेस करके लाते हैं, राइट? तो उन्होंने क्या किया, ऐसे 10 लोगों को होलसेलर के पास में भेज दिया। अब वो 10 लोग गए तो उनको 70 के भाव से उन्होंने खिलौने दिया, किसने? होलसेलर ने। अब एक खिलौने के पीछे धीरू भाई अंबानी को कितना रुपया मिलने वाला था? 20 रुपया, बराबर है? मतलब एक व्यक्ति के ऊपर कितना मिलने वाला था? 200 रुपया, ठीक है। अब वो 10 लोगों को भेज दिया, एक व्यक्ति के ऊपर 200 रुपये मिल रहा, तो 10 व्यक्ति के ऊपर कितना हो गया? 2000 रुपये, राइट? 2000। और बाकी के जो 10 लोग हैं उनको कितना मिल रहा? 300, 300, 300, 300, 300, राइट? अब मुझे बताइए वो जो 10 लोग हैं वो खिलौने बेचने के लिए फुटपाथ पे बैठते हैं, वो गार्डन में जाके बैठते हैं, पेट्रोल पंप पे जाके बैठते हैं, धीरू भाई अंबानी काम कर रही है? धीरू भाई अंबानी काम कर रहा है, फिर भी धीरू भाई अंबानी उन लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहा है, वो 2000 रुपये कमा रहा है, राइट? तो दोस्तों उसने, उन्होंने क्या किया, अपने सोच को डेवलप किया और उन्होंने एक नेटवर्क को बिल्ड कर दिया। क्या किया? एक नेटवर्क को बिल्ड कर दिया। और नेटवर्क को बिल्ड करने की वजह से वो जो धीरू भाई अंबानी है वो आज यहाँ पे लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, वो अब्जोपति बन गया। आज सारी दुनिया पे वो राज कर रहा है, बहुत सारा बहुत बड़ा नेटवर्क उसने बिल्ड कर दिया है, राइट? तो दोस्तों ये मैंने स्टोरी सुनाने के पीछे का एक तात्पर्य था कि दोस्तों बड़े से बड़ा काम अगर आपको करना है तो दोस्तों आपको मेहनत से नहीं करना है, दोस्तों आपको टेक्निक से करना है, टेक्नोलॉजी से। क्योंकि हमारे सर कहते हैं कि आज मेहनत पे पैसा नहीं है, तकनीक और टेक्नोलॉजी पे पैसा है, राइट? तो दोस्तों वही चीज आपको भी करना है, आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग का ये प्लेटफॉर्म हायर रिच ऑनलाइन शॉपिंग मिल गया है, जहाँ पे आपको जो है अपने अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने सपनों को साकार कर सकते हो। सिर्फ आज ही आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 मिनट में तो आपका जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन 1 मिनट में आज ही लिया हुआ आपका डिसीजन जो है आपका जिंदगी को बदल सकता है। जैसे हमारे सर ने कहा सोचने से कुछ नहीं होता है, वो बंदर ने जैसे तो बंदर की स्टोरी बताई थी उन्होंने कि एक बंदर कूद जाता है वो जंगल का राजा बन जाता है लेकिन दूसरा नहीं बनता है। क्या होगा? सोचने से कुछ होने वाला है? मैं हमेशा कहता हूँ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के क्षण, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। और दोस्तों और एक चीज मैं बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है तो कड़ी मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, राइट? बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती है, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है, राइट? और शोहरत के शिखर को पाने के लिए घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है, राइट? तो बस जाते जाते मैं आप सभी लोगों को जो है बेस्ट विशेष आपको देना चाहूंगा, आपके सपने भी साकार होंगे, लेकिन आपको अपने अंदर में एक हौसला जगाना होगा दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, राइट?
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है दोस्तों। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों। बस अपने हौसलों की उड़ान भरने के लिए बस आज ही डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों का लाइफ चेंज करने वाला है। मैं आप सभी लोगों को सिर्फ बेस्ट विशेष दे सकता हूँ, बस डिसीजन आप लोगों को देना है। क्योंकि हमारे पांच पांडव आर के मनार सर, रामनिवास पटेल सर, संदीप सर, नरेश नाथ सर, साथ में मेरे जितने भी लाइफ लाइन पार्टनर है, सब लोग आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रेडी है दोस्तों। सिर्फ आपको क्या करना है, एक हाथ अपने अपलाइन का पकड़ना है और एक हाथ अपने सिस्टम का पकड़ना है। कभी पैसों के लिए किसी का पैर पकड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय हरी।